मऊ जिले के कोपागंज विकास खंड के सोरसर गांव के रहने वाले किसान मनीष राय केले की खेती से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। वे 2012 से केले की खेती करते आ रहे हैं। अब मनीष राय 24 बीघे में केले की खेती कर रहे हैं, जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा मिल रहा है। किसान मनीष राय बताते हैं कि एक बीघा केले की खेती करने में 50,000 रुपये तक का खर्च आता है, जिससे लगभग 1,00,000 रुपए की प्रॉफिट होती है। की खेती है ये, और पूरी तरीके से जैविक खेती है। जीरो फर्टिलाइजर पे हम गए हैं इस बार। एरिया है क्या, थोड़ा बताएं कैसे खेती की जाती है। चूंकि जैविक खेती है, पहली बार कर रहे हैं, और केले की खेती बहुत बहुत कॉस्टली होती है, इन्वेस्टमेंट हैवी होता है, इसलिए हमने पहली बार 18 मंडे पे ये जैविक खेती की है। इससे पहले हम 2012-13 से भी केले की खेती करते रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से फर्टिलाइजर बेस्ड खेती थी। तो इस बार कोशिश ये की है कि थोड़ा सा जैविकता की तरफ जाएं, और आप देख रहे हैं बाकी जगह जाएंगे तो पौधे बहुत बड़े बड़े दिखाई देंगे। क्योंकि जैविक खेती है, इसलिए पौधे आपको छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। कितना लागत लगा है? अब जैविक खेती है, आप ये मान लीजिए कि अगर हम 18 मंडे की बात करें, तो 18 मंडे पे अभी हमें लगता है कि पौधा वगैरह सब मिला के करीब करीब 50,000 रुपए के आसपास का खर्च है। ये हार्वेस्टिंग तक की खर्च हम बता रहे हैं, जो हमारा कैलकुलेटेड एस्टिमेट है, 50,000 रुपए 18 मंडे का कटाई तक का खर्च है। इससे मुनाफे की बात हम क्या करें, क्योंकि देखिए दिक्कत ये है ना कि जैविक खेती करना तो ठीक है, जैविक प्रोडक्ट का दाम नहीं मिलता है हमारे यहाँ। चूंकि हम खुद बेचते हैं, तो इसको हम ले जाके कहीं ना कहीं बाहर सेल करेंगे, तो उम्मीद है कि 18 मंडे पे हमें 1,00,000 रुपए के आसपास प्रॉफिट बचना चाहिए। लागत तो दोगुना लगा लीजिए, तीन गुना मान लीजिए, तीन गुना। फसल में देखिए, जुलाई में ये पौधे लगे हुए हैं, 15 जुलाई को ये पौधे लगे थे, और उसके बाद फिर गोबर की खाद और नीम की खली, सरसों की खली, इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ करते हुए जो हमारे घर पे बायोवेस्ट बच जाता है, उन सबको ले आके और इस खेती को किया गया है। मतलब कहीं से भी, आप ये मान लीजिए यूरिया केवल यूज़ हुआ है। यूरिया इसलिए यूज़ होता है कि पौधे जब बढ़ते हैं तो ये पत्तियाँ, देखिए पीलापन आ गया, अगर हम इसको कवर नहीं करेंगे, इसको हम रोकेंगे नहीं, तो ये पत्तियाँ फिर पीले से काली होकर ये ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। तो यूरिया तो हमको डालना पड़ा है। 2012 में हमने अपना यही प्लॉट शुरू किया था, 5 बीघे का हमारा ये प्लॉट है। 2005 में हमने शुरू किया था, जिसको हम 2019 में करीब करीब 117 बीघे खेती पे ले गए थे, लीज पे जमीन लेके आसपास। जैसे सोनसर है, जहनियापुर गांव में हमने ली थी, भावरकोल में लिया था खेत, तो 119 बीघे पे हम खेती करते थे। कितना मुनाफा मिला होगा लगभग उस समय? पर एकड़ करीब करीब 1,50,000 रुपए के आसपास का मुनाफा था। 14 महीने की क्रॉप है। हाँ, आप ये मान लीजिए कि जुलाई लास्ट में पौधे लगते हैं, जुलाई लास्ट में पौधे लगने के बाद 15 जुलाई से ही हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है, और वो 15 जुलाई से 15 सितंबर तक पूरी हार्वेस्टिंग हो जाती है। पहले नया दौर करके राइपनिंग चैम्बर शुरू हुआ, जो हमारा कोर बिजनेस था वो राइपनिंग का था। फिर हमने देखा कि बाहर से हम माल मंगाते हैं, हमारा फ्रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, तो हमने कोशिश की कि क्यों ना हम इस खेती को खुद करें। हमारे माध्यम हम खुद अपनी कर रहे हैं, करीब करीब 24 बीघे पे हैं। BHU से मेरा ग्रेजुएशन है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी से। मेरा सोशल वर्क में मास्टर्स है, PhD है, और 3 साल की वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर नौकरी भी है। वो नौकरी को छोड़ के मैं यहाँ खेती से जुड़ा हुआ हूँ।